वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर बीते दिन दिल्ली पहुंची। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ममता बनर्जी अपने सांसदों के अलावा पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगी और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। हालांकि इस दौरे से पहले दीदी केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत खर्च होने वाले धन को केंद्र की ओर से रोका गया। दीदी का कहना था कि केंद्र की सरकार ने पैसा इसलिए रोका है क्योंकि वो स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग में रखना चाहती है। बता दें, ममता बनर्जी राज्य के विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय धन जारी करने की मांग को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली है। वहीं इस मुलाकात पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कोलकाता हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए फंड रोक दिया है। वो ये चाहते हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को भगवा रंग में रंग दिया जाए। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? नीला और सफेद रंग राज्य का आधिकारिक रंग है, ये राजनीतिक रंग नहीं है। गौरतलब है कि बंगाल में सभी सरकारी इमारतों, पुलों और यहाँ तक कि सड़क के डिवाइडरों को नीले और सफेद रंग में रंगा जाता है। निजी भवनों के मालिक को इन रंगों का उपयोग करने पर संपत्ति कर में कटौती की जाती है। वहीं बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए ममता बनर्जी का आगे कहना था, क्या हमें हर जगह बीजेपी के रंग का इस्तेमाल करना होगा? वे तय करेंगे कि लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम इन मुद्दों को उठाएंगे। वहीं ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी सामने आया। मामले में बीजेपी नेता का कहना था कि केंद्र पूरे काउंटी में, केंद्र सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में एकरूपता चाहता है और ये इमारतों के रंग तक सीमित नहीं है और केंद्र की ओर से इसके लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं। फिलहाल ममता के इन आरोपों के बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात क्या रंग लाती है, ये देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।